के गहलोत सरकार ने मंत्रिमंडल से सचिन पायलट को हटा दिया है। सचिन को मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद बीजेपी सरकार राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय होती नजर आ रही है। फिलहाल बीजेपी अभी मौजूदा हालात पर अपनी नजर बनाए हुए है। आपको बता दें, मंगलवार दिन भर भाजपा नेताओं ने इस मुद्दे पर मंथन किया। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि बुधवार यानी आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर चर्चा होगी। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। वही सभी की निगाहें सचिन पायलट के अगले कदम पर टिकी हुई है। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि सचिन बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने अगले कदम का ऐलान कर सकते हैं। अपने खिलाफ पार्टी की तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई होने के बाद उन्होंने अगले कदम पर चुप्पी साध रखी है। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि बगावत करने वाले सचिन पायलट के हाथ में कुछ नहीं है और वे केवल भाजपा के हाथ में खेल रहे हैं। भाजपा मध्य प्रदेश के खेल को राजस्थान में भी दोहराना चाहती थी और यह सब कुछ पिछले 6 महीने से चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्योदय मीडिया।